हेलो दोस्तों, मैं चंद्रवान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं केरल के सोरनू रेलवे स्टेशन पर हूं, जहां से मैं 166 किलोमीटर की जर्नी करने जा रहा हूं। और मेरा इस जर्नी का मकसद है कि ये एक छोटी सी जर्नी है और इस समय मानसून का मौसम है, तो बहुत ही ग्रीनरी देखने को मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ चंद्र ब्लॉग में और इस छोटी सी जर्नी 66 किलोमीटर का आप आनंद लीजिए। और दोस्तों देखिए, ये एक्सप्रेस ट्रेन है और इस ट्रेन को यहाँ से पैसेंजर बना के भेजा जा रहा है। इसमें सारे अधिकतर स्लीपर क्लास और एसी क्लास हैं, तो यहाँ से इसको पैसेंजर बना के भेजा जा रहा है नीलम्बूर रोड के लिए। तो चलते हैं और इस कोच में आपको दिखलाते हैं। मैं भी इस समय स्लीपर में ही बैठूँगा, और लेकिन ये जनरल कोच है। दोस्तों, इस ट्रेन को यहाँ से 06467 नंबर ट्रेन दिया गया है और इसको यहाँ से नीलम्बूर रोड के लिए रवाना किया जाएगा। तो ये 66 किलोमीटर का सफ़र है, देखते हैं ये कितना समय लेती है। और बहुत ही आप इस केरला की जर्नी को आप आनंद लीजिए। ये नीलम्बूर एक्सप्रेस स्पेशल सोरनूर जंक्शन से रवाना होते हुए सही 9 बजे ये यहाँ से रवाना हो चुकी है। और इस रूट पर आपको जो भी स्टेशन देखने को मिलेंगे वो अलग ही रंगों में होंगे, और जो भी छोटे छोटे स्टेशन हैं, हालांकि उनकी बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन उन स्टेशनों पे आपको जो हरियाली देखने को मिलेगी और जो शांत माहौल देखने को मिलेगा वो देखते ही बनता है। सोरनूर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को अब यह ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ करके नीलम्बूर जंक्शन की ओर बढ़ते हुए, और आप इस जर्नी का आनंद लीजिए। मैं अब आगे बहुत कम ही बोलूँगा, सिर्फ आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए और बने रहिए मेरे साथ चंद्र ब्लॉग में। और दोस्तों, इस 66 किलोमीटर के डिस्टेंस में इसके बीच में 7 रेलवे स्टेशन हैं, जहाँ पर इसको हर स्टेशन पर रोका जाएगा। और दोस्तों, यह मेरा इस रूट पर पहला रन है और मुझे नहीं मालूम है प्लेटफॉर्म किधर आएगा किधर नहीं आएगा। और ये इस ट्रेन का पहला हॉल्ट है वाडाना कुर्सी। और दोस्तों, यहाँ यह रूट सिंगल रूट है और प्लेटफॉर्म भी अधिकतर एक ही प्लेटफॉर्म आएंगे, दूसरी साइड में प्लेटफॉर्म नहीं होंगे। तो मुझे नहीं मालूम है कि प्लेटफॉर्म किधर आएगा, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही दिखलाऊंगा प्लेटफॉर्म। और ये देखिए दोस्तों, स्टेशन दूसरा हॉल्ट, और इस स्टेशन पर हर स्टेशन पर इसी तरह की आपको हरियाली देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही मन को मोह लेती है। तो इस तरह के स्टेशन और जगह बहुत कम देखने को मिलेंगे सिवाय केरल के। समय आप देख रहे हैं कुल्लू कलूर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का अराइवल।
और दोस्तों इस समय यह चिरुकारा रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना होते हुए और यह केरल का चिरुकारा रेलवे स्टेशन बहुत वायरल स्टेशन है, जो कि बहुत वायरल हो गया था अपनी हरियाली के लिए और इसके बहुत ही शॉर्ट वीडियो और वीडियो इस रेलवे स्टेशन के वायरल हुए हैं। तो आप देखिए कितनी सुंदरता, कितनी हरियाली है इस स्टेशन पर। बस आप यहाँ के स्टेशनों की हरियाली देखिए, आपका मन बहुत ही खुश हो जाएगा। और इस तरह के स्टेशन मैंने केरला के अलावा और कहीं नहीं देखे हैं, ना ही यहाँ कोई पहाड़ी क्षेत्र है। सिर्फ इन स्टेशनों को और इन स्टेशनों की सुंदरता और हरियाली देखते ही बनती है। यह स्टेशन मेला टूर, यह दूसरा वायरल स्टेशन है केरल का अपनी हरियाली और सुंदरता के लिए। और ये देखिए आगे इस स्टेशन को, thank you।
दोस्तों इस जो केरला का इस ट्रेन का जो मेरा सफ़र है, मैं इसलिए इस सफ़र में कम बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको इन स्टेशनों की सुंदरता और ग्रीनरी दिखलानी थी। तो जितना आप मैं बोलूँगा आप डिस्टर्ब होगे, तो आप इन केरला के स्टेशनों की, छोटे छोटे स्टेशनों की सुंदरता देखते बनती है, तो आप उसका सिर्फ आनंद लीजिए। और दोस्तों, ये हमारा आखिरी रेलवे स्टेशन नीलम्बू रोड पर यह ट्रेन पहुंच रही है और यह हमारा आखिरी स्टेशन है और यहीं तक हमारा सफ़र है और इस ट्रेन का भी यहीं तक सफ़र है। तो इसकी के साथ हमारी यहाँ यह जर्नी 66 किलोमीटर की जर्नी, हम अपने जर्नी को यहाँ विराम देंगे और इस स्टेशन पर आप इस ट्रेन का डिपार्चर देखिए। हेलो दोस्तों, यह देखिए हमारी ये ट्रेन जो है 10:40 पर सही नीलम्बू रोड स्टेशन पर आ चुकी थी और ये हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों, यह मेरी केरला की एक छोटी सी जर्नी, आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़, और मैं आपके लिए लाता रहूँगा एक से एक और नई से नई वीडियो। धन्यवाद।